आप कम से कम गांधी जी का चेहरा बनाइए, कहां सद्दाम हुसैन जैसा चेहरा बना के देश में घूम रहा है, चुनाव चल रहा है गुजरात में, आप घूम रहा है महाराष्ट्र में, लोगों का सामना करने के लिए आज कांग्रेस का कोई साहस नहीं रह गया। आज आप खुद देखिए राहुल जी का चेहरा, मैं हर बार बोलता हूं भाई आप भारत जोड़ो यात्रा किया है, आपका चेहरा का थोड़ा चेंज हुआ है, अगर आपको चेहरा ही बनाना है जवाहरलाल नेहरू जैसा बनाइए, आपका नाना था, आप कम से कम गांधी जी का चेहरा बनाइए, कहां सद्दाम हुसैन जैसा चेहरा बना के देश में घूम रहा है, ये कैसा आप क्या कर रहे हैं देश में, चुनाव चल रहा है गुजरात में, आप घूम रहा है महाराष्ट्र में, चुनाव चल रहा है हिमाचल में, आप चल पड़ा है तमिलनाडु में, लोगों का सामना करने के लिए आज कांग्रेस का कोई साहस नहीं रह गया। 35 पीस किया, एक ही लड़की को 35 टुकड़ा किया, श्रद्धा का बॉडी फ्रीज में है और दूसरा लड़की को ले आया डेटिंग करने के लिए, खाली हिंदू लड़की क्यों लाते हैं, बोला नहीं हिंदू भावुक होता है, हमारा देश में और कोई ऐसा अफ्ताब श्रद्धा का कहानी है, आज देश को लाभ जहाद के खिलाफ सबसे सख्त कानून का जरूरत है। एक आफ्ताब नाम का लड़का ने हमारा मुंबई से श्रद्धा नाम का एक लड़की को शादी करने का थोड़ा सा जो भी बात करे हम तुमको शादी करेगा ऐसे बोल के दिल्ली लेके गया, शादी तो नहीं हुआ, उनको कैसे मारा, 35 पीस किया, एक ही लड़की को 35 टुकड़ा किया, और क्या किया जानते हैं, वो लड़की का जो मेरा बहन है आप लोगों का बहन है उनको फ्रीज में डाल दिया, और फ्रीज में डाल देने का बाद श्रद्धा का बॉडी फ्रीज में है और दूसरा लड़की को ले आया डेटिंग करने के लिए, फिर किसी ने पुलिस ने इसको पूछा भाई आप खाली हिंदू लड़की क्यों लाते हैं, बोला नहीं हिंदू भावुक होता है, हिंदू का साथ बातचीत करके हिंदू लड़की का साथ बातचीत करने में भावुक हो जाता है, दे आर इमोशनल, तो उनके लिए मैं उन लोग को लेके आया हूं। आप देखिए देश में ये एक आफ्ताब का कहानी नहीं है, हमारा देश में और कोई ऐसा आफ्ताब श्रद्धा का कहानी है, आज देश को लाभ जहाद का खिलाफ सबसे सख्त कानून का जरूरत है, और ये काम कौन कर सकता है, खाली भारतीय जनता पार्टी कर सकता है और कोई दूसरा कोई पार्टी नहीं कर सकता है।